गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। गाइस, कल का वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें मेरा फ़ोन जो है गिर गया था हापुड़ के पास। काफ़ी परेशान रहा वहाँ पर, तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से आ गया वापस। हाँ, फ़ोन मैंने काफ़ी ढूंढा था वहाँ पर, बट मिला नहीं। तो आज मैं सुबह फिर से रानीखेत के लिए निकला हूँ, तो मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो भाई साहब, हम पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप पे। हाँ, पहले भरवाते हैं फ्यूल, देन आगे चलेंगे इसके बाद। फिल कर देना भैया। तो फ्रेंड्स, फ्यूल अप हो गया है अपना, हम निकलते हैं उसके बाद आगे। ये रहा बारापुला वाला रोड, इसी के साथ ही हम निकल जाते हैं सीधे हाईवे की तरफ, और थोड़ी देर में हाईवे पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, हाईवे पे पहुंच के अब ये पहला टोल आ चुका है। तो हम सबसे पहले करते हैं टोल को क्रॉस। जैसा कि बाइक के लिए तो वीआईपी लाइन होती है, उसमें फास्ट टैग या टोल टैक्स की ज़रूरत होती नहीं है, तो हम अपना साइड वाली लाइन से निकल जाते हैं सीधे आगे की तरफ। कई हाईवे पे बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हेलमेट पहनो। जैसे भाई लोग चल रहे हैं आगे, इनका इन्होंने हेलमेट ही नहीं पहना हुआ है, पता नहीं है, बट एनीवेज कोई नहीं। ठीक है, मैं पहुंचने वाला हूं घर के पास, और सामने देखिए आप, खूबसूरत सा सनराइज दिख रहा है। हो सकता है कैमरे में इतना बढ़िया नहीं दिख रहा, बट जो एक्चुअल में दिख रहा है ना, वो बहुत अल्टीमेट है। एंड गाइज, सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30 के आसपास, और मैं पहुंचने वाला हूं गढ़, और 4-5 किलोमीटर के बाद मैं पहुंच जाऊंगा गढ़गंगा। फिर मिलता तो भाई आ गया है सेकंड फ्लोर गढ़ वाला, मुक्तेश्वर वाला, और हमारे लिए जो वीआईपी लाइन है वो है इधर। तो हम चलते हैं अपनी वीआईपी लाइन पे, हमें किसी फास्ट टैग की ज़रूरत नहीं होती है। बस ये थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी बना रखी है, मैंने जगह नहीं छोड़ रखी है, ताकि लाइन अपनी वीआईपी है। बस वीआईपी लाइन में इतना जाम क्यों हो रहा है? भाई टोल कर लिया है क्रॉस। इसी के साथ गाइस, पहुंच गया हूँ गढ़गंगा पे। मेरे राइट साइड में मंदिर है, और लेफ्ट साइड में पार्किंग बनी हुई है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक हैवी सा हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि पहले तो सिंगल रोड होती थी, बट अभी जो है, अब तो डबल रोड है, जाम होना नहीं चाहिए। हो सकता है किसी ने गलत पार्क कर दी रोड पे। बाकी गाइस, चलते हैं आगे, और खूबसूरत सा व्यू तो दिख रहा है यहाँ पे, बट मैं उस तरफ वाली रोड पे नहीं जा सकता हूँ। एंड पहले क्या होता था, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो ये ग्रिल दिख रही है आपको, पहले ये नहीं होती थी, तो खूबसूरत सा व्यू दिखता है। सामने वो ट्रेन का ट्रैक है, और अच्छा व्यू होता था, बट ये ग्रिल की वजह से ना व्यू खराब हो गया है यहाँ पर। मैं सोच रहा था यहाँ पे रुकूंगा, बट ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे रुकना ठीक रहेगा, क्योंकि व्यूज़ तो कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं निकल गया हूँ सीधे आगे की तरफ। यहाँ से व्यू अच्छा नहीं आ रहा, इस तरफ हम जा नहीं सकते अभी। तो एक नया सीन शुरू हो गया, लाइट जलाई इसकी वजह से क्या, ओवरलोड हो गई बैटरी। के बाद गाइस निकल जाते हैं आगे की तरफ। एंड गाइस, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड बेल आइकन जरूर से दबाना। हार्ड सा ट्रक चल रहा है हाईवे पे, ऐसे ट्रक अक्सर मिल जाते हैं, कोई नई चीज नहीं है, बट इनसे थोड़ा सा सावधानी से चलना है,
और सामने चल रही है मेरठ बरेली मुरादाबाद की बस। ये मुरादाबाद जा रही है शायद, तो अपने को साइड से निकल जाना है। भाई ये आ गया गोया वाला टोल हमने कर दिया है तो गाइस फाइनली जोया वाला टोल हमने कर लिया है क्रॉस, आगे चल दिए हैं। और खूबसूरत सी सड़क थी, थोड़ा सा हमने अपना तेज चलाना शुरू किया। बाकी चलते हुए आगे चलते हैं तो गाड़ी हो जाती है बंद। गाइस मैं पहुंचा हूँ रामपुर के पास और बाइक हो गई बंद, अब स्टार्ट नहीं हो रही है। बाकी देखते हैं जी क्या सीन रहता है इसका, समझ नहीं आ रहा कुछ। और आसपास कुछ है भी नहीं, किसी को बुलाऊं या कुछ हेल्प करूं या हेल्प मांगूं। हेल्प ऑन दी हाईवे, बाकी देखते हैं कोई ना कोई मिलेगा जो थोड़ा सा धक्का लगा देगा। मेरे को लगता है कि शायद उससे स्टार्ट हो जाएगी, अभी मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा। यही है देखो स्टार्ट अपने हो रही ना, गियर में भी कोशिश कर रहा हूँ बस हो नहीं रहा, बाकी देखता हूँ। फ्रेंड्स करीब 2 किलोमीटर दूर ये गाड़ी खराब हुई थी, और वहां से एक अंकल ने पैर लगा के मेरे को मैकेनिक के पास छोड़ा। थैंक यू अंकल जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर से दबा लेना। तो भाई साहब ये है वो जगह जहाँ पर मैं अपनी बाइक को छोड़ के जा रहा हूँ, बाकी भाई मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा, 0 पॉइंट कोई जगह है ये। और ये है बाइक, ये है भाई साहब की शॉप, यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर, ये है भाई साहब यहीं हम छोड़ रहे हैं बाइक, ये है इनकी दुकान, ये अपनी बाइक काम करेंगे पर 3 तारीख को लेके जाऊँगा वापसी। 13 मेरा हेलमेट, 14 मेरा सूट, बूट तो मैं पहन के जा रहा हूँ बाहर का नज़ारा, और ये बाइक।